हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आऊंगा यूनिकॉर्न कलेक्शन की वीडियो गाइस। और आज की वीडियो में काफी अलग अलग और काफी अच्छी अच्छी चीजें गाइस। पक्का आज की वीडियो आपको देखने में बड़ा ही मजा आएगा गाइस। मजा आए तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वी फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन दिखाता हूँ, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना इन सारी चीज में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी गाइस। तो चलो फटाफट पहली चीज दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहली चीज है गाइस, हमारे पास यूनिकॉर्न का ये पिगी बैंक। दोस्तों इसे परचेज किया है केवल मैंने 150 रुपीस का, ये पिगी बैंक परचेज किया। निकाल दो बॉक्स से और दिखाता हूँ ये कैसा पिगी बैंक है। और ऐसा पिगी बैंक क्या आपने कभी देखा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो निकालता हूँ बॉक्स से और दिखाता हूँ ये पिगी बैंक। दोस्तों ये देखो, ये तो है काफी अमेजिंग एक मेटल की, दोस्तों मेटल का पिगी बैंक है, काफी प्यारा है गाइस। और ये यूनिकॉर्न का पिगी बैंक है। और ऊपर देखो दोस्तों इसके अंदर क्या, ये देखो कितना गुड लुकिंग लग रहा है। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस चीज जो इसके अंदर भरी हुई है ना, वो क्या चीज है दोस्तों। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है, इस पिगी बैंक को कैरी करने के लिए दोस्तों हमें इसके अंदर मिलता है काफी प्यारा सा हैंडल गाइस, जिससे हम इस पिगी बैंक को बिल्कुल थैले की तरह लटका के चल सकते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है ये देखो दोस्तों, काफी अमेजिंग है दोस्तों, काफी मोटी रस्सी मिल जाती है दोस्तों। और गाइस हमें इसमें मिलते हैं दो दो पासवर्ड दोस्तों, विदाउट पासवर्ड हमारा ये पिगी बैंक कोई भी नहीं खोल सकता दोस्तों। और इस जगह से दोस्तों हम अपनी मनी को डालेंगे दोस्तों। चलो ओपन करके दिखाता हूँ ये पिगी बैंक कैसा और इसमें कितना स्पेस मिलता है। तो इसका पासवर्ड है दोस्तों 00, तो 00 को हम डाल देंगे दोनों साइड, फिर इस बटन को दबाएंगे और पिगी बैंक ओपन हो जाएगा दोस्तों। ये देखो मेटल का है, काफी अमेजिंग है दोस्तों। स्पेस देखो कितना अमेजिंग और कितना प्यारा स्पेस है दोस्तों, काफी बड़ा स्पेस मिल जाता है इस पिगी बैंक के अंदर। तो ये पिगी बैंक आपको कैसा लगा, 150 रुपीज का परचेज किया दोस्तों इस पिगी बैंक को, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस, हमारे पास एक काफी प्यारा काफी बड़ा एक यूनिकॉर्न का स्टेशनरी सेट गाइस। और इसे बोलते हैं दोस्तों हम सुपर आर्टिस्ट टूल किट गाइस, काफी अमेजिंग है। और इसमें टोटल हमें एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 208 पीसेस मिलते हैं दोस्तों इसके अंदर। हमें मिलते हैं ऑयल पेस्टल कलर 48, वाटर कलर पेन मिलते हैं 24, मार्कर 12, और भी काफी सारी चीजें मिलती हैं दोस्तों। और ये देखो कितना बड़ा बैग है दोस्तों। और इस बैग को भी दोस्तों मैंने परचेज किया 1000 रुपीज का ऑफलाइन मार्केट से, मेरी इधर शॉप है उसी शॉप से इस बैग को भी परचेज किया है दोस्तों। और काफी अमेजिंग बैग है दोस्तों। और इसे कैरी करने के लिए इसमें एक हैंडल मिलता है, जिससे हम इस बैग को बहुत ही अच्छे से कैरी करके ले जा सकते हैं। काफी अमेजिंग है, काफी बड़ा बैग है दोस्तों, देख सकते कितना बड़ा बैग है। मैं आपको हाथ से नाप के दिखाता हूं, देखो मेरे आधे हाथ से भी बड़ा ये बैग है। निकालता हूं और दिखाता हूं दोस्तों हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस और इसके अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी दोस्तों। दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो बैग को ओपन करता हूँ और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि दोस्तों ये किट कैसी लगी। और दोस्तों साथ ही ये किट अच्छी लगे ना तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और बॉक्स से और दिखाता हूँ ये किट गाइज, ये देखो दोस्तों कितनी बड़ी किट है गाइज। इसके अंदर तो गाइज हमें मिलते हैं 48 क्रियॉन्स कलर गाइज, क्रियॉन्स कलर नहीं ऑयल पेस्टल कलर मिल जाते हैं। क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग है। साइज भी काफी बढ़िया है गाइस, मीडियम साइज है। और इसकी मोटाई भी देखो दोस्तों कितनी गजब है दोस्तों, 48 ऑयल पेस्टल कलर मिल गए दोस्तों। और गाइस हमें मिलते 24 क्रियॉन्स कलर गाइस, ये क्रियॉन्स कलर मिल गए। और सारे कलर पे कलर्स के नेम भी लिखे हुए हैं दोस्तों, जैसे ये क्रियॉन्स कलर है तो क्रियॉन्स लिखे हैं, ये ऑयल पेस्टल कलर है तो इन पे ऑयल पेस्टल लिखे हैं दोस्तों। और हमें इसके अंदर क्या मिलता है दोस्तों, इसके अंदर हमें एक काफी प्यारी और काफी अमेजिंग सी एक इरेजर मिल जाती है दोस्तों, ये देखो जंबो इरेजर मिल गई दोस्तों। और क्या मिलता है हमें इसके अंदर, तो इसके अंदर गाइस हमें मिलता है ये फेविकोल दोस्तों, फेविकोल मिलता है, वाइट ग्लू मिल गया हमें इसके अंदर, वाइट ग्लू भी काफी अच्छी चीज। और गाइज हमें मिल जाते हैं पेपर क्लिप्स गाइज, और हमें इसके अंदर वाटर कलर केक मिल जाते हैं। कितने सेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वाटर केक सेट्स मिल जाते हैं इसमें। और दोस्तों इसे ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है। तो ओपन करने के बाद देखो दोस्तों कितनी लंबी हो गई, और ये देखो कितनी लंबी हो गई, मेरे टेबल पे भी नहीं आ रही इतनी लंबी किट है, OMG। और क्या मिलता है दोस्तों इसके अंदर, हमें मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कलर पेंसिल, वाओ यार 24 कलर पेंसिल मिल जाते हैं। और कलर के साइज देखो दोस्तों कितने अमेजिंग है, क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है, नीचे कलर पेंसिल की कोई बात नहीं,
और क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग है, साइज भी काफी अच्छे कलर पेंसिल के। और गाइज हमें मिलते हैं इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मिलते हैं गाइज हमें स्केच पेन दोस्तों इसके अंदर। ये स्केच पेन कैसे हैं निकालता हूं, एक स्केच पेन को ढक्कन देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है, क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है, और चला के देखते चलाने में भी दोस्तों काफी अमेजिंग चल रही है स्केच पेन। और गाइज हमें इसके अंदर मिलते हैं मोटे वाले भी स्केच पेन, कितने से 12 सेट से मिल जाते हैं दोस्तों, क्वालिटी देखो दोस्तों, साइज भी देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग है ना, और चलने में भी काफी जबरदस्त चल रहे हैं दोस्तों। और गाइज हमें क्या मिलता है इसके अंदर, एक काफी प्यारा सा डस्टर दोस्तों, एक डस्टर मिल जाता है। और दोस्तों हमें इसके अंदर मिलता है एक शार्पनर, एक गोल शार्पनर मिल गया। और क्या मिलता है इसके अंदर, हमें मिलता है 15 सेंटीमीटर का रूलर दोस्तों, एक 15 सेंटीमीटर का ट्रांसपेरेंट रूलर मिल गया, क्वालिटी काफी जबरदस्त है। और क्या मिलता है इसके अंदर, हमें एक वुडन पेंसिल भी मिल जाती है दोस्तों, ये देखो काफी प्यारी सी एक वुडन पेंसिल, और एक ब्रश भी मिल जाता है दोस्तों इसके अंदर, ये देखो ब्रश मिल गया काफी प्यारा। और देखते हैं दोस्तों हमें इसके अंदर क्या मिलता है, तो बीच वाले पार्ट में देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है, चलो देखते हैं। तो बीच वाले पार्ट में देखो दोस्तों हमें क्या मिलते हैं, ये पेपर क्लिप्स मिल गए काफी, सॉरी यार ये देखो कितनी सारी पेपर क्लिप्स मिल गई। और गाइज हमें इसमें क्या मिलते हैं इसके अंदर, इसके अंदर ड्राइंग पेज भी मिल गए दोस्तों, ये देखो। और कितने पेज मिलते हैं, चलो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तो हमें ड्राइंग पेज मिल गए दोस्तों। और गाइज हमें इसमें क्लिप मिल गई, 4 क्लिप मिल जाती हैं दोस्तों, ये देखो 4 क्लिप मिल गई। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों हमें इस सेट के अंदर गाइज हमें मिलता है एक स्टैंड दोस्तों, ये देखो स्टैंड मिल गया, ये देखो इस तरह से हो जाएगा ओपन, मैं आपको दिखाऊँ ओपन करके, तो ये देखो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, बिल्कुल मंदिर की तरह बन जाएगा। और फिर हम इस जगह अपने पेपर को लगा के और फिर इन क्लिप से अटैच करके हम ड्राइंग कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से लगा लेंगे हम सारे क्लिप को और फिर हम ड्राइंग कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये सारी चीज़ें गाइस मिल गई, और इसमें सबसे अच्छी बात ये जो हमें इसके अंदर टेबल मिलती है, तो इस पर दो जने ड्राइंग कर सकते हैं, एक बंदा इधर से बैठ के ड्राइंग कर सकता है, सेकंड बंदा इधर बैठ के ड्राइंग कर सकता है, काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। ये किट आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों इसका गिवअवे चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और कमेंट में लिखना भैया प्लीज़ इस सेट का गिवअवे करो दोस्तों। और आपका काफ़ी सारा कमेंट आया और लाइक्स काफ़ी सारे होंगे इस वीडियो पर, तो पक्का मैं इस टूल किट का गिवअवे करूँगा। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या है, तो साइड रख दिया सारी चीज़ें गई, टेबल से हटा दी क्योंकि अब काफ़ी बड़ा दोस्तों टूल किट था। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का स्टेशनरी सेट दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी प्यारा स्टेशनरी सेट, और ये लुक देखो दोस्तों ये स्टेशनरी सेट का कितना अमेजिंग है दोस्तों। चलो इसे फाड़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, वैसे तो ऊपर से दिख रही है, इसके अंदर हमें पेंसिल मिल रही है, और गाइस हमें इसके अंदर वॉच मिल रही है, और वॉच तो दोस्तों हमें किसी भी स्टेशनरी आइटम में नहीं मिलती, बट दोस्तों हमें इस किट में वॉच मिलती है। चलो फटाफट काटते हैं इस बैग को और फिर इसके अंदर देखते हैं किस क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं दोस्तों हमें। इस स्टेशनरी किट को हमने अच्छे से काट लिया और ओपन करते हैं और देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है। तो सबसे ऊपर तो गाइस हमें एक बहुत ही प्यारा सा यूनिकॉर्न का एक वॉलपेपर मिल जाता है दोस्तों, काफ़ी गजब काफ़ी सुंदर था दोस्तों। और इसके अंदर गाइस हमें मिलती है काफ़ी प्यारी और काफ़ी अमेजिंग सी वॉच, और इस वॉच के ऊपर यूनिकॉर्न बना हुआ है दोस्तों, ये देखो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वॉच मिल जाती है, और ये स्ट्रिप छोटी और बड़ी भी हो जाएगी दोस्तों, स्ट्रिप की क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी प्यारी है। और गाइस हमें इसमें दो बटन मिलते हैं, इन दोनों बटन से दोस्तों हम टाइम को सेट कर सकते हैं दोस्तों, ये अप और डाउन बटन मिल जाते हैं दोस्तों, ऊपर भी एक बटन है नीचे बटन है, इन दोनों बटन से दोस्तों टाइम सेट हो जाता है, क्वालिटी काफ़ी जबरदस्त और काफ़ी अमेजिंग वॉच मिल गई दोस्तों हमें इस किट में। और दोस्तों इस किट को केवल मैंने 150 रुपीज़ का परचेज किया, 150 रुपीज़ के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई, वॉच मिल गई, दो गाइस हमें वुडन पेंसिल भी मिल गई दोस्तों, ये देखो दो वुडन पेंसिल, दोनों पेंसिल के ऊपर यूनिकॉर्न की पिक्चर्स बनी है देखो दोस्तों, काफ़ी प्यारे काफ़ी अमेजिंग यूनिकॉर्न की पिक्चर्स बनी है। और क्या मिलती है गाइस हमें इसके अंदर गाइस, एक मिलती है इरेजर, यूनिकॉर्न की इरेजर मिल जाती है दोस्तों, मिनी इरेजर मिल गई। और गाइज हमें मिलता है एक गाइज इसके अंदर शार्पनर, ये देखो दोस्तों शार्पनर मिल गया काफ़ी प्यारा सा पिंक कलर का, क्योंकि दोस्तों यूनिकॉर्न का कलर पिंक होता है तो हमें पिंक कलर का शार्पनर मिल गया। और क्या मिल गया इसके अंदर, तो इसके अंदर गाइज हमें मिल गया ये देखो दोस्तों, ये क्या, ये तो है एक पेंसिल कैप दोस्तों, एक पेंसिल कैप मिल गई दोस्तों हमें, इस तरह से लगा लेंगे दोस्तों, ये देखो पेंसिल कैप काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अमेजिंग चीज़ मिल गई। और दोस्तों हमें इस किट में क्या मिलता है, तो इसके अंदर गाइज हमें मिलता है एक मनी पर्स गाइज,
पर्स है पॉकेट, यानी एक काफ़ी प्यारा सा यूनिकॉर्न का, और ओपन करता हूँ दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो पर्स है। इन छोटे छोटे जिप पे हम अपनी मनी रख लेंगे दोस्तों, और इस वाले पॉकेट में दोस्तों जिप वाले पॉकेट में हम अपने नोट रख लेंगे दोस्तों। ये देखो नोट रखने के लिए पॉकेट, ये पॉकेट वाला पर्स है दोस्तों। आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। ये स्टेशनरी सेट में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी दोस्तों प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट ये दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बिल्कुल छोटी सी बहुत ही प्यारी सी 60 रुपए की ज्योमेट्री बॉक्स यूनिकॉर्न की, और इसमें गाइस है क्या खास, वो है गाइस इसका कैलकुलेटर। इसके अंदर गाइस हमें मिलता है हिडन कैलकुलेटर दोस्तों, जो हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता। देखो बिल्कुल सिंपल था, किसी को पता भी नहीं दोस्तों इसमें कैलकुलेटर, वो कैसे, पहले तो इसमें 3D वॉलपेपर मिल जाता है दोस्तों, और इसमें फ्रंट में हमें दो शार्पनर मिल जाता है। देखो दोस्तों दो शार्पनर मिल गया, ये ढक्कन कहाँ गिर गया भाई, टूट के, चल कोई बात नहीं। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते दोस्तों हमें मिलता है कैलकुलेटर। ये देखो दोस्तों कैलकुलेटर मिल जाता है, और अभी सेल डालना पड़ेगा फिर ये कैलकुलेटर चालू हो जाएगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, ये कैलकुलेटर 360 रोटेट भी होता है, वो कैसे, ये देखो 360 रोटेट हो जाता है बहुत ही अच्छे से, और जब हमें कैलकुलेटर आगे काम होगा तो आगे से वर्क कर लेंगे, जब हमें, जब मैडम आ जाएगी या कोई भी आ जाएगा तो हम इस कैलकुलेटर को घुमा के अंदर की तरफ कर देंगे। अरे यार टूट ही गया यार, टूट क्या गया, निकल गया, इसे सेट कर लेंगे, बाद में लॉल हो गया, बड़ा गंदा यार, वीडियो बनाते बनाते ऐसे लॉल होते ना तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है दोस्तों। बैक साइड की बात करें, बैक साइड गाइस काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों, और इसके अंदर गाइस हमें टेबल देखने को मिल जाती है गाइस, और फ्रंट वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें क्या मिलता है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी गहरा स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर गाइस हमें 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, और 5 पेंसिल को लॉक करके बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। गहराई देखो दोस्तों कितनी गजब है, आपको दिखाऊं तो ये हमारी ये है ना, ये क्या है, वॉच भी आ जाएगी दोस्तों। ये देखो वॉच भी आ गई बहुत ही ईजिली, तो बंद भी हो गई ज्योमेट्री बॉक्स, तो ये केवल 60 रुपये की परचेज करिए। नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये यूनिकॉर्न कप पेंसिल पाउच, ये काफ़ी अमेजिंग है, और इसकी जिप देखना दोस्तों कितनी अच्छी क्वालिटी की जिप है। केवल मैंने 180 रुपीज़ की परचेज करी है इससे, और ये देखना ये कैप्टन अमेरिका लगा हुआ है, एवेंजर की चीज़ें लगी हैं, और इसके अंदर है क्या चीज़ का पाउच, ये है पाउच हमारे यूनिकॉर्न का, और कैप्टन अमेरिका का वॉलपेपर मिलता है दोस्तों में, क्या यार लॉल है यार गंदा। तो इसके अंदर जिप देखो दोस्तों, ये देखो जिप कितनी अच्छी क्वालिटी की गाइस हमें इसमें मिलती है, काफ़ी प्यारी एक लोहे की जिप गाइस, यानी आयरन जिप मिल जाती है दोस्तों, क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, और स्मूथ देखो दोस्तों कितनी स्मूथली है दोस्तों, ये काफ़ी स्मूथ है गाइस, ये जिप बहुत ही आसानी से खुल और बंद रही है। क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी ज़बरदस्त है, 3D लुक में है दोस्तों ये पेंसिल पाउच, और इसके अंदर का स्पेस की बात करें तो स्पेस देखो दोस्तों हमें इतने छोटे से पेंसिल पाउच में हमें कितना सारा स्पेस मिल गया दोस्तों। एक जिप मिलती है यानी एक पॉकेट मिल जाती है दोस्तों, और ये नेट वाला पॉकेट भी देखो, और इसके अंदर भी दोस्तों हमारा काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। सेकंड छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर हमें 1, 2, 3, 4 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं दोस्तों, और इसके अंदर भी हम पेंसिल को और अपनी स्टडी मटेरियल को लॉक करके रख सकते हैं। नीचे वाले कंपार्टमेंट में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों हमें, और देखो कितनी प्यारी पेंसिल पाउच है, लुक काफ़ी अमेजिंग है, और इसकी जिप भी काफ़ी प्यारी है। नेक्स्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइज हमारे पास यूनिकॉर्न का ये पेंसिल बॉक्स, काफ़ी अमेजिंग है, और इसमें मिलता हमें पासवर्ड, और निकाल दो पन्नी से, केवल मैंने 100 पीस के परचेज करी, और दिखाता हूँ पेंसिल बॉक्स दिया दोस्तों। ये पेंसिल बॉक्स काफी सिंपल और काफी प्यारी सी यूनिकॉर्न बना हुआ है फ्रंट में, ये और रेनबो देखो दोस्तों कितने अमेजिंग है, और इसमें दोस्तों हमें पासवर्ड मिलता है, पासवर्ड के विदाउट ये कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स को नहीं खोल सकता दोस्तों, और इसमें पासवर्ड क्या है, 346, तो 346 है, तो गाइस हमें क्या करेंगे गाइस, तो 4 को नीचे कर लेंगे, और 3 को भी नीचे कर लेंगे, और 6 को भी नीचे कर लेंगे, फिर ऑन ऑफ का बटन दबाएंगे फिर ऑन हो जाएगा, तो ये लॉल हो गया दोस्तों, हमें उल्टा करना पड़ेगा, तो यानी दोस्तों सारी चीज़ को नीचे करेंगे पहले, और फिर इसके जो 3 को ऊपर करेंगे, फिर 4 को ऊपर करेंगे, फिर 6 को ऊपर करेंगे, ढक्कन बटन दबाएंगे, ढक्कन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा दोस्तों। और इसमें हमें छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। सेकेंड कंपार्टमेंट की बात करें, सेकेंड कंपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और सेकेंड कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें दो छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिलते हैं, ये एक कंपार्टमेंट में हम दोस्तों शार्पनर रख सकते हैं, और सेकेंड कंपार्टमेंट में दोस्तों हम इरेजर रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और काफ़ी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, लॉक से खुल रही है, सबसे अच्छी बात है, विदाउट पासवर्ड कोई भी हमारी ये ज्योमेट्री बॉक्स नहीं खोल सकता है दोस्तों, साइड रखते हैं। तो ये बॉक्स से आपको कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट कहता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये यूनिकॉर्न दोस्तों, यूनिकॉर्न घोड़ा दिख रहा है बट ये दोस्तों यूनिकॉर्न नहीं है, ये क्या चीज़ है वो निकालता हूँ बॉक्स से दिखाता हूँ, ये पहले भी दिखा चुका हूँ शायद मैं आपको, शायद आपने देखा भी, और ये है दोस्तों हमारा यूनिकॉर्न का एक काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा सा शार्पनर दोस्तों, ये देखो कितना प्यारा शार्पनर, क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी ज़बरदस्त है, और इसमें एक
दोस्तों हमें हैंडल मिलता है, जूट की मशीन की तरह हैंडल मिलता है, इसे घुमाएंगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, पेंसिल शार्प होगी। वो कैसे नीचे से दिखाता हूँ दोस्तों, इसके नाक में हम पेंसिल घुसाएंगे, वो कैसे घुसाएंगे दिखाता हूँ दोस्तों। ये पेंसिल को घुसाएंगे हम इस तरह से, देखो है ना, पेंसिल को घुसा देंगे बिल्कुल अच्छे से, देखो ये पेंसिल को घुसा दिया और फिर हम पेंसिल को शार्प करेंगे, अभी इस तरह से नहीं, अभी ढंग से, हाँ ये देखो ये पेंसिल वो डाल दी और फिर हम पेंसिल को घुमाएंगे सिर्फ नाक से, तो पेंसिल ऑटोमेटिक शार्प होने लगेगी। ये देखो पेंसिल शार्प भी होगी, थोड़ा सा घुमाया और पेंसिल शार्प हो गई। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा शार्पनर तगड़ा ये। और दोस्तों सारी पेंसिल का कूड़ा कहाँ जाएगा, वो इसके पेट में जाएगा, तो नीचे वाले ढक्कन को हम खोल लेंगे दोस्तों, और फिर देखो दोस्तों इसके अंदर सारा कूड़ा एडजस्ट हो जाएगा। जब ये भर जाएगा तो इसके ढक्कन को खोल के हम सारा कूड़ा फेंक सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है। और दोस्तों हमें इसके अंदर क्या मिलते हैं, एक दो तीन चार, चार ग्रिप है दोस्तों, जिससे ये पेंसिल शार्पनर बहुत ही अच्छे से स्टैंड भी हो जाएगा दोस्तों। ये देखो कितने ईजिली स्टैंड हो गया, कितने आसानी से स्टैंड भी हो गया दोस्तों, काफ़ी प्यारा शार्पनर है। केवल मैंने 180 रुपीज़ का परचेज किया ऑफलाइन मार्केट से, और ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी दोस्तों। आपको जो जो मैं नाम बोल रहा हूँ उसी नाम से सर्च करना है, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें आ जाएंगी दोस्तों। और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप गूगल पे से सर्च करो, अपने आप सेम प्रोडक्ट होते हैं वो आ जाएंगे, फिर आप बाय भी कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन तो बहुत ही रेयर होते हैं, मिले हैं दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो ऑनलाइन नहीं मिलती हैं दोस्तों, बट कोई बात नहीं दोस्तों, इसे रखते हैं। तो दोस्तों आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और आज का ये आर्टिस्ट टूल किट दोस्तों आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो इसका गिफ्ट चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और कमेंट में लिखना प्लीज़ भैया इस टूल किट का गिव अवे करो। तो जब ये कमेंट आएगा, खूब सारा लाइक्स आएंगे इस वीडियो पे, तो मैं पक्का इस टूल किट का गिव अवे करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, और बहुत अच्छी लगे तो कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, वीडियो के साथ अच्छे से टॉय या टॉय अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।